नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी साइकिल से संसद पहुंचे। राहुल ने देश के विभिन्न हिस्सों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंचने पर मंगलवार को कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में साइकिल से संसद की ओर रुख किया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि न हमारे चेहरे जरूरी है न हमारे नाम, बस ये जरूरी है कि हम जनप्रतिनिधि हैं। हर एक चेहरे में देश की जनता के करोड़ों चेहरे हैं जो महंगाई से परेशान हैं। यही है अच्छे दिन। इससे पहले विपक्षी एकता को दिखाते हुए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राहुल गांधी द्वारा आयोजित ब्रेकफास्ट मीटिंग नाश्ते के दौरान बैठक में 15 विपक्षी दलों ने भाग लिया। बैठक के दौरान राहुल गांधी ने कहा, मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस बल को एकजुट करते हैं। लोगों की यह आवाज जितनी एकजुट होगी, यह आवाज उतनी ही शक्तिशाली होगी। भाजपा आरएसएस के लिए इसे दबाना मुश्किल होगा। पेगासस जासूसी मामला सामने आने के बाद उन्होंने वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा की।